अगर आप भी अपने घर के लिए एक प्रोजेक्टर लें या फिर एक टेलीविजन लें इस बात को लेकर कंफ्यूज है तो डेफिनेटली ये वीडियो सिर्फ आप लोग के लिए है। फ्रेंड, इस वीडियो में हम 5 ऐसे पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे कि आपको अपने घर के लिए क्या लेना चाहिए, क्या आपको एक टेलीविजन के साथ जाना चाहिए या फिर आपको अपने घर पे एक प्रोजेक्टर इंस्टॉल कराना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को, और आज के वीडियो में यही सारी जानकारियां लेकर आ गया है आपका अपना टेक्को। सबसे पहला पॉइंट है पिक्चर क्वालिटी। जी हाँ दोस्तों, हम अपने घर पे टीवी लगाए या फिर प्रोजेक्टर, दोनों पे ही हमें ऑनलाइन कंटेंट देखना है, और उस कंटेंट की जो पिक्चर क्वालिटी है वो अगर अच्छी होगी तो डेफिनेटली हम उसे बहुत हद तक एंजॉय कर पाएंगे। तो फिर यहाँ पे अगर पिक्चर क्वालिटी की बात की जाए तो हमेशा टेलीविजन एक प्रोजेक्टर से बेहतर पिक्चर क्वालिटी आपको डिलीवर करता है। अगर बात करें कॉन्ट्रास्ट की, कलर की, तो ये सारे के सारे जो अच्छे से मैनेजमेंट करके आपको दिखाता है वो है एक प्रॉपर टेलीविजन। वहीं पर जो प्रोजेक्टर्स होते हैं उनमें ये सारे के सारे चीज़ें दिखा सकता है, बट उसके लिए आपको एक काफ़ी महंगा प्रोजेक्टर परचेज करना पड़ेगा। टेलीविजन की बात कर लीजिए तो आजकल 4K टेक्नोलॉजीज आ गए हैं, 8K टेक्नोलॉजीज आ गए हैं, तो 4K 8K वीडियोस की काफ़ी अच्छी डिलीवरी जो है वो एक टेलीविजन करता है। वहीं पे प्रोजेक्टर्स भी आपको 4K 8K वाले देखने को मिल जाते हैं, बट ज़्यादातर प्रोजेक्टर्स में आपको 4K टेक्नोलॉजी की जगह 4K इन्हेंसमेंट टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, यानी कि वो डायरेक्टली 4K ना देकर आपको 4K इन्हेंसमेंट टेक्नोलॉजी के थ्रू आपके नॉर्मल वीडियोस को 4K में कन्वर्ट करके दिखाते हैं। तो इस टाइप की जो टेक्नोलॉजीज होती है तो डेफिनेटली आपका जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा खराब हो जाता है। तो अगर आप पिक्चर क्वालिटी के आधार पर अपने लिए एक प्रोजेक्टर या टीवी सर्च कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको टेलीविजन के साथ जाना चाहिए। अब जो दूसरा पॉइंट है वो है इंस्टॉलेशन प्रोसेस को। देखिए, टेलीविजन को इंस्टॉल कराना हमेशा आसान है। मार्केट से आप टीवी यूनिट लेकर आते हो, अपने घर पे लगा देते हो और उसे ऑन करते हो और टेलीविजन चालू हो जाता है। बट प्रोजेक्टर्स को इंस्टॉल कराना थोड़ा सा ट्रिकी होता है। इसके लिए आपको स्पेशल वॉल डेडिकेट करना पड़ता है, उसके ऊपर आपको स्क्रीन लगानी पड़ती है, प्रोजेक्टर स्क्रीन जिसे हम बोलते हैं, पर्दे जो बोलते हैं उसे लगाना पड़ता है। साथ ही साथ आपको प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करके प्रोजेक्टर को फिक्स कराना पड़ता है। उसके बाद आपको पूरा का पूरा एम्बिएंट भी अपने प्रोजेक्टर के हिसाब से बनवाना पड़ता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक टेलीविजन का जो इंस्टॉलेशन है वो बहुत ही आसान है, उसको आप खुद से भी कर सकते हो, बट वहीं पर एक प्रोजेक्टर का जो इंस्टॉलेशन है उसको करना काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी है। उसके लिए आपको किसी प्रोफेशनल का हेल्प भी लग सकता है। तो आई थिंक अगर इंस्टॉलेशन प्रोसेस से देखा जाए तो टेलीविजन डेफिनेटली प्रोजेक्टर से बहुत ज़्यादा आसान है। अब जो तीसरा पॉइंट है वो है स्क्रीन साइजेस को लेके। तो देखिए दोस्तों, जो टेलीविजन आता है डेफिनेटली उसके साइजेस लिमिटेड होती है, उसे आप घटा बढ़ा नहीं सकते, बट प्रोजेक्टर इस बार यहाँ पर जीत रहा है। यहाँ पे आप प्रोजेक्टर के स्क्रीन को अपने आवश्यकता अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हो। मान लो आप डेली कंटेंट देख रहे हो तो आप स्क्रीन को छोटा रख सकते हो। अगर आप किसी स्पेशल ओकेशन को देखना चाहते हो ऑनलाइन तो वहाँ पे आप अपने स्क्रीन को काफ़ी ज़्यादा बड़ा कर सकते हो, अप टू 300 इंचेस तक बड़ा कर सकते हो, यानी जो आपकी मूवी का जो मूवी एक्सपीरियंस होता है सेम एक्सपीरियंस आप अपने घर पे ले सकते हो। तो ये जो है ना काफ़ी ज़्यादा एडजस्टेबल होता है और आप आसानी से अपने घर पर इसे घटा बढ़ा सकते हो। अब बात करते हैं टेलीविज़न की। तो टेलीविज़न सबसे बड़ी बात है कि आपको मार्केट में जो सबसे बड़े बड़े टेलीविजन भी देखने को मिलेंगे तो वो 85 इंच, 100 इंच, 120 इंच इस टाइप के टेलीविजन और सबसे ज़्यादा बड़े स्क्रीन वाले आते हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ वो मिलेंगे, बट वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। वहीं पे जो प्रोजेक्टर है वो आपको 30, 40, 35, 40 हज़ार रुपये तक, जैसे कि मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वो काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोजेक्टर्स हैं। तो उन जो प्रोजेक्टर्स में आप 30, 40 हज़ार में भी 300 इंचेस की स्क्रीन को बना सकते हो और वहाँ पे लाइव मैचेज हो या फिर कोई भी मूवी हो जो भी आपको पसंद हो आप उसको लाइव एंजॉय कर सकते हो डेफिनेटली 300 इंच के बड़े स्क्रीन पे। तो आई थिंक कि अगर स्क्रीन साइज़ की बात की जाए तो डेफिनेटली अगर आप बड़ा स्क्रीन साइज खोज रहे हो तो आपको टीवी के जगह पे एक प्रोजेक्टर परचेज करना चाहिए। अब जो चौथा पॉइंट है वो है प्रोजेक्टर्स और टेलीविजन्स के लाइफ को लेकर। देखिए, हर एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का एक लाइफ होता है, हर एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का एक लिमिट होता है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो टेलीविजन्स की, तो डेफिनेटली टेलीविजन्स एक बार इंस्टॉल करने के बाद आप भूल जाइए, आपको 10, 15, 20 साल तक आपका टेलीविज़न चलता रहेगा। थोड़ी बहुत रिपेयरिंग की ज़रूरत होगी वो आप इजीली ब्रांड के थ्रू करा सकते हो। बट वहीं पे प्रोजेक्टर्स जो होते हैं उनके लेंस की लाइफ होती है, और एक जो लेंस की लाइफ होती है वो यूजुअली 4000, 5000, 10000 घंटे तक होती है, और 10000 घंटों के बाद आपको लेंस चेंज कराना पड़ता है। उसके बाद से उसकी जो इमेज क्वालिटी बहुत ज़्यादा गिर जाती है, जिसका आप मतलब आपका जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगता है, तो आपको उसका लेंस चेंज कराना पड़ेगा। उस लेंस का जो कॉस्ट होता है वो आपके प्रोजेक्टर के कॉस्ट के लगभग बराबर ही पड़ता है। तो यानी कि एक बार आपका लेंस खराब होगा तो आपको डेफिनेटली एक नया प्रोजेक्टर परचेज करना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में अगर देखा जाए तो टेलीविजन जो है उसकी लाइफ प्रोजेक्टर की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं सबसे लास्ट यानी पांचवें पॉइंट की, ये है
इजी टू यूज़। डेफिनेटली दोस्तों, कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट लेके आओगे तो आप सोचोगे उसे इस्तेमाल कैसे किया जाए, कितना आसान है उसको इस्तेमाल करना। तो यहाँ पे अगर आप टेलीविज़न लेके आते हो तो इसको इस्तेमाल करना कुछ नहीं है, आपने प्लग इन किया, रिमोट से ऑन किया और अपना जो भी कंटेंट है आप उसको देखना शुरू कर सकते हो। बट प्रोजेक्टर के केस में थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा सा ये ट्रिकी होता है इसको इस्तेमाल करना। हर बार आपको प्रोजेक्टर ऑन करना पड़ेगा, अपने पर्दे को सेट करना पड़ेगा, फोकस एडजस्ट करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ करने के बाद आपको अपना पूरा का पूरा एम्बियंट हर बार प्रोजेक्टर के हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा, जैसे कि कोई भी लाइट्स ऑन ना हो, जैसे कि कोई भी जंगली खिड़कियाँ ना खुली हो ताकि बाहर की रोशनी ना आए। तो ये सारी चीज़ें आपको बार बार हर बार आपको मैनेज करके ही चलना पड़ेगा प्रोजेक्टर के स्क्रीन पर कोई भी कंटेंट देखने से पहले। तो आई थिंक अगर इजी टू यूज़ देखा जाए तो टेलीविज़न डेफिनेटली बहुत ही आसान होता है यूज़ करना, वहीं पर जो प्रोजेक्टर है उसको हर बार आपको थोड़ा सा मैनेज करके चलना पड़ेगा। तो अगर आप एक टेक्निकल बंदे हो, नॉर्मली हो तो कर सकते हो, मे बी हो सकता है आपके घर पे कोई ओल्ड एज पीपल हो या कुछ भी हो, तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा और ज़्यादा ट्रिकी होगा और शायद वो लोग इसका इस्तेमाल भी ना कर पाए। तो इस तरीके से अगर सोचिएगा तो डेफिनेटली आपको एक टेलीविज़न के साथ जाना चाहिए, प्रोजेक्टर को यहाँ पे अवॉइड कर देना चाहिए। तो फाइनली दोस्तों, ये 5 पॉइंट थे जिसके आधार पर हमने बात किया कि आपको एक टीवी लेना चाहिए या फिर प्रोजेक्टर। अब आप देखिए कि आपको आपके लिए क्या सूटेबल है, आपको कौन सा पॉइंट ज़्यादा मतलब कवर करना है। अगर आपको लगता है कि आपको बहुत बड़ा स्क्रीन चाहिए तो डेफिनेटली आप प्रोजेक्टर के साथ जाओगे। अगर आपको लगता है आपको बहुत ही अच्छा बेस्ट पिक्चर क्वालिटी चाहिए, 4K पिक्चर क्वालिटी चाहिए, भले स्क्रीन छोटी हो बट क्वालिटी जो है कंटेंट की अच्छी होनी चाहिए, तो इस केस में आपको टेलीविज़न के साथ जाना चाहिए। तो वैसे मैंने टेलीविज़न और प्रोजेक्टर दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप वहाँ से जाकर परचेज कर सकते हो। वो सारे के सारे एफिलिएट लिंक है डेफिनेटली, अगर आप वहाँ से परचेज करोगे तो इस चैनल को थोड़ा बहुत सपोर्ट हो सकता है। तो बस आज की वीडियो में इतना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।